वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ समरीन और मैं हूँ तहुरा। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं स्कूल स्टूडेंट्स वर्सेस कॉलेज स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। ये ले आईडी कार्ड भूल रही थी। और ये तूने टाई कैसे पहन रखी है? कुछ नहीं आता इस लड़की को, इतने साल हो गए अब तक टाई नहीं पहनने आई। स्कूल जाने का तो दिल ही नहीं रहता इनका। चल ये ले लिप बाम। मम्मा लिपस्टिक भी तो लिप बाम जैसे काम करते हैं, लिपस्टिक ही लगा दो। अच्छा तुझे लिपस्टिक लगानी है? लिप बाम दे रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल जा रही है या फैशन शो के लिए जा रही है? चलो अब जाओ, जल्दी से बैग उठाओ। मम्मा क्या हुआ? बैग इतना भारी होता है, मुझसे नहीं उठ पाता। उससे ना मेरे बैग से ना कंधे ऐसे हो गए। तो पढ़ेगी नहीं तू? ये बता, पढ़ना तो हो गई। चलो मैं उठा लूंगी, चलो तुम शूज पहन लो। कॉलेज जाने के लिए ABCDEFG। ये ले चिंटू 50 रुपए, इससे तुझे पूरे महीने चलाना, ये तेरी पॉकेट मनी है, ठीक है? फालतू की चीजों में मत खर्च कर देना, जब जरूरत हो तभी पैसे निकालना, समझ गया ना? याद रखना, इसे तुझे पूरे महीने चलाना है, और अगर बीच में पैसे खत्म हो गए ना तो फिर मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे पास ना पैसों के पेड़ नहीं लगे हुए जो मैं तुम्हारे लिए पेड़ से पैसे तोड़ू और तुम्हारे हाथ में दे दू, समझ गए ना? चलो जाओ। मम्मा वेयर इज माय एटीएम कार्ड? यू नो ना आई हैव टू गो शॉपिंग। बेटा देख तेरे बैग में ही होगी। नहीं मिल रही मम्मा मुझे। हाँ हाँ मिल गई। मम्मा आज पापा से कहकर मेरे अकाउंट में पॉकेट मनी डलवा देना, इस बार जल्दी मांग रही क्योंकि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और थोड़ा ज्यादा डलवाना। ठीक है बेटा, मैं पापा से बोल दूंगी। ओके मम्मा बाय। ABCDEFG। ये रिया नहीं आई अब तक अपना रिजल्ट लेकर। अगर इस बार फेल हुई होगी ना ये, तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। हाँ आ गई। आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुई, फेल या पास? जल्दी बोल, पास या फेल? पास या फेल? अगर फेल हुई होगी तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, जल्दी बोल। मैं पास हो गई, 40% आए मेरे। बस 40%? चल तुझसे तो मुझे पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। अब तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि मिसेस वर्मा और मिसेस शर्मा जब मुझसे पूछेंगे कि आपकी बेटी का रिजल्ट क्या आया है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं ये बोलूंगी कि 40% आया है, मेरी तो नाक कट जाएगी सबके सामने। चल जाए यहाँ से और अगले एग्जाम के लिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दे। मम्मी पापा मुझसे रिजल्ट के लिए पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? जब दोनों का मूड सही देखूंगी ना तो बता दूंगी अपने रिजल्ट के बारे में। रिया जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पार्टी के लिए जाना है। लगता है मम्मी को पता ही नहीं है कि आज मेरा रिजल्ट आया है। यस चलो अच्छा है, बच गई मैं तो। ला 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 ला, मैं तो चली रेडी होने। ABCDEFG। रोहन तुम्हारा रोज का यही नाटक है, तुम होमवर्क करके नहीं लाते हो। क्यों नहीं लाए तुम होमवर्क करके? सर लाइट नहीं थी। तुम मुझे रोज यही बोलते हो कि लाइट नहीं थी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ आगे लाओ। क्यों नहीं लाया होमवर्क करके? हाँ हाँ अब लाएगा ना होमवर्क करके? हाँ लाएगा या नहीं? हाँ हाँ सर लाऊंगा। रोहन तुमने हमेशा की तरह आज फिर से कॉलेज का रूल ब्रेक किया है और मैं तुम्हें हर बार माफ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं तुम्हें आज 1 वीक के लिए कॉलेज से सस्पेंड करता हूँ, और आगे से अगर तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूंगा, समझ गए? चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मिल गई मुझे, अच्छा हुआ जो मुझे सस्पेंड कर दिया। चलो अब विक्की को कॉल कर लेता हूँ। हेलो विक्की, गेस कर क्या हुआ मेरे साथ? मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल ने 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया है। कितने दिनों से छुट्टियां नहीं मिल रही थी मुझे, आज मिल गई वो भी 1 हफ्ते की। चल तो फिर अब बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। कहाँ चले, गोवा चले? हाँ गोवा चलते हैं। चल ठीक है।
ABCDEFG। यार इतना सारा होमवर्क दे दिया टीचर ने। बताओ कल संडे है, सब संडे मनाएंगे और मैं होमवर्क करती रहूंगी पूरे दिन। पूरा संडे तो मेरा इसमें ही निकल जाएगा। टीचर तो खुद घूम रही होंगी मजे से और हम बच्चों को यहाँ फंसा दिया। एक भी ऐसा दिन नहीं है जो होमवर्क ना दे। रोज रोज दे देती है इतना सारा। कोई है भी नहीं जिससे मैं होमवर्क करवा दूं। आज तो बहुत सारे नोट्स है लिखने के लिए, कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। हेलो चिंकी, चल जल्दी से घर पे आ जा मेरे। अरे नहीं नहीं कुछ काम है मुझे, तो जल्दी से आ जा फिर मैं तुझे बताती हूँ। हाँ ठीक है। चलो भैया मेरा तो काम हो गया, अब ये चिंकी आ जाए बस जल्दी से। अभी तक आई नहीं चिंकी। क्या हुआ रिया, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अरे वाह आ गई तू। अरे मोना मुझे तुझसे कुछ काम था। ये ले मेरी बुक और कॉपी, इसमें मेरे नोट्स लिख दे तू। वो क्या है ना, मैं इतने सारे नोट्स लिख नहीं पाऊंगी, तो तू कर दे, तू तो है ही। चलिए ले। लेकिन रिया मुझे भी तो नोट्स लिखने हैं, मैं कैसे करूंगी, मेरे पास भी तो बहुत सारा काम है। अच्छा तो ठीक है फिर, मैं कॉलेज में सबको तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगी, है ना, फिर ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, मत करो तुम। नहीं 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 नहीं, मैं कर दूंगी, तुम आराम करो। लाओ दो मुझे तुम। हाँ ये हुई ना बात, चलिए ले। चल ठीक है सारे नोट्स लिख दियो। मैं तुम्हारे सारे नोट्स अच्छे से लिख दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें कल दे दूंगी नोट्स कॉलेज में। इस चंपू से काम करवाना तो वर्ल्ड का सबसे इजी काम है। चलो भैया अब मैं आराम से संडे मनाऊंगी। सुन कल स्कूल बंक करें, अब तो हम 9th क्लास में, एक बंक तो बनता है। बोल क्या बोलती है तू। अरे नहीं यार बहुत रिस्की है ये, अगर हमें टीचर ने देख लिया तो बहुत धुलाई होगी। और मम्मी पापा तो मार ही डालेंगे। हाँ यार तू सही बोल रही है, तो फिर रहने देते हैं, हमसे ये बंक वंक ना हो पाएगा। हाँ बंक भी ना एक आर्ट है, सब थोड़ी कर सकते हैं, हम जैसे डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं। चलो कोई नहीं, हमारा भी वक्त आएगा कभी ना कभी। हाँ यार बस इसी उम्मीद पे तो जिंदा है कि हमारा भी कभी वक्त आएगा। चल ठीक है बाय बाय। कल ना पूरी क्लास क्लब जाने का प्लान बना रही है, तो हमारी पूरी क्लास ना कल बंक करने वाली है, तो तू बता तू भी बंक कर रही है या नहीं? हाँ यार बिल्कुल चलूंगी मैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वैसे भी मैंने एक हफ्ते से कॉलेज बंक नहीं किया है, तो बंक तो बनता है ना। हाँ कल तो कोई भी कॉलेज नहीं जाएगा, प्रोफेसर हमारे भूत को पढ़ाएंगे। फिर तू ऐसे ऐसे रोज पिटेगा फिर। अब उसके अंदर उंगली मत डालना। जल्दी बोल। मने शर्म आवे। शर्म आवे? एक थप्पड़ दूंगी तुझे पासू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जब भी हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो पर हम एम करते हैं 25,000 लाइक्स, तो प्लीज अभी के अभी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि 25,000 का एम पूरा हो जाए। और आप लोगों को तो पता होगा 500 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। आप लोगों की वजह से ही 500 के हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और 500 के सब्सक्राइबर्स हो गए। मैंने बोला था कि 500 के सब्सक्राइबर्स कब होंगे, आज हो भी गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे 500 के सब्सक्राइबर्स हो गए। OMG। और आप लोग प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो 1 मिलियन ज्यादा दूर नहीं है, हम हाफ क्रॉस कर चुके और हाफ है अब बस, तो 1 मिलियन तो आप जल्दी से कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को स्कूल स्टूडेंट्स अच्छे लगे या कॉलेज स्टूडेंट्स। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।